जो राम का नहीं वो किसी, जो राम का नहीं वो किसी। उनके द्वारा भारत, भारतीयता, भारत की सनातन परंपरा पर उंगली उठाने का प्रयास हो रहा है। रावण के खानदान के लोग हैं, अगर ऐसा भारत में रहने वाले किसी भारतीय ने कहा, ये भारत में रहने वाले समस्त सनातनियों के दिल पर उन्होंने चोट पहुंचाई है। आप सभी को मैं यह भी बताना चाहता हूं कि उदयनिधि स्टालिन की उन बातों की मैं कड़ी निंदा करता हूं, लेकिन बीजेपी के मौन धारण किए हुए उन नेताओं से भी पूछना चाहता हूं, यदि आप सनातन को मानते हो तो फिर ऐसे लोगों को क्यों टिकट दिए जिनके हृदय में राम की जगह रावण विद्यमान है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दे की बात और मेरा नाम है नीरज द्विवेदी। आज मुद्दे की बात में चर्चा होगी राम को भजने वाली पार्टी के सामने आखिर वो कौन सी मजबूरी थी कि रामचरित मानस को आग लगाने के आरोपी को चुनावी रण में उतार दिया। लंबे समय से सत्ता में काबिज बीजेपी इस बार भी मध्य प्रदेश की सत्ता अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती है। युवाओं, महिलाओं व कर्मचारियों को साधने के बाद भी बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व को लगा कि सत्ता वापसी की राह आसान नहीं है, तो उन्होंने केंद्रीय मंत्री और सांसदों को मैदान में उतार दिया। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन भाजपा ने हिंदू और सनातन का विरोध करने वाले व्यक्ति के बेटी को टिकट देकर जनता को सोचने पर मजबूर कर दिया कि सत्ता प्राप्ति के लिए बीजेपी इस बार कुछ भी करने को तैयार है। रावण को आराध्य मानकर उसकी पूजा करने वाले हिंदू विरोधी उस शख्स के बारे में मैं आज आपको विस्तार से बताने वाला हूं, तब आपको समझ में आएगा कि बीजेपी की कथनी और करनी में कितना अंतर है। मध्य प्रदेश में चुनाव आयोग ने अभी चुनाव की तारीख स्पष्ट नहीं की है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में मध्य प्रदेश में आचार संहिता लग जाएगी। इस चुनावी रण में बीजेपी, कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी भी 230 सीटों पर प्रत्याशी उतारने की बात कर रही है। 10 सीटों पर प्रत्याशी उतार भी दिए गए हैं। वहीं कांग्रेस द्वारा अभी भी प्रत्याशियों के नाम का मंथन जारी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि पहली सूची अक्टूबर के पहले ही सप्ताह में आ सकती है। वहीं प्रत्याशियों को इस चुनावी महाभारत में उतारने के मामले में बीजेपी सबसे आगे है। अब तक बीजेपी की 3 सूची जारी हो चुकी हैं। पहली और दूसरी सूची में 39 प्रत्याशी, तो तीसरी सूची में एक नाम, वह नाम है मोनिका शाह बट्टी, जिनको छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा सीट से भाजपा ने मैदान में उतारा है। और जब यह नाम कानों में गूंजता है तो तुरंत उसके पीछे एक चेहरे की याद आती है जो हिंदू और सनातन का खुलकर विरोध करता था, राम को एक पात्र मानता था। यही नहीं, रामचरितमानस को जलाने के आरोप में मामला भी दर्ज है। नाम है मनमोहन शाह बट्टी, जो गुड़वाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। हालांकि कोरोना काल में उनकी मृत्यु हो गई है, लेकिन हिंदू और सनातन विरोधी इनकी बातें हर व्यक्ति के मन मस्तिष्क पर आज भी विद्यमान है। करोड़ों हिंदुओं के आराध्य भगवान राम को एक पात्र की दृष्टि से देखने वाले मनमोहन शाह के कई वीडियो आज भी सोशल मीडिया पर आप जाकर देख सकते हैं कि वो हिंदू और सनातन से कितनी नफरत करते थे। बड़े लोगों ने सब वेद पुराण फेंकना चालू कर दिया, संविधान को पूजना चालू कर दिया। जाइए आप हमारे आदिवासी क्षेत्रों में, संविधान की पुस्तक लेकर गर्व से जय सेवा और जय भीम का नारा लगा रहे हैं। ये बड़ा परिवर्तन का है। पहली बार हुआ है, पहली बार आजादी के 70 साल बाद मेरा आदिवासी समाज डॉक्टर बाबा साहब और संविधान को समझा है। इसके लिए मैं पूरे समाज को धन्यवाद देता हूँ। हम गुड़वाना के लोग हैं, हम लाशें बिछा देंगे लेकिन संविधान में आंच नहीं आने देंगे। और आज क्या हो रहा है, संविधान के साथ लगातार छेड़छाड़। इतना ही नहीं, इनकी बेटी जिनको भाजपा ने अभी टिकट दिया है, वो भी अपने पिता के रास्ते पर चलते हुए सनातन और ब्राह्मणों को
भरे मंच से किस तरह से कोस रही हैं, यह भी आप सुन लीजिए। क्यों ब्राह्मणों के बच्चे ही सब आईएएस अफसर बनते हैं, कलेक्टर बनते हैं? क्यों क्यों सिर्फ ब्राह्मणों के बच्चे ही कलेक्टर आईएएस अफसर बन रहे हैं? हमारे क्यों नहीं जाते, हमारे उई के दुर्वे यादव लोग क्यों नहीं जाते, क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? मैंने देखा है। जरा सोचिए, क्या यह वही कट्टर हिंदुत्व वाली भाजपा है या इसका समय के साथ बदलाव हो चुका है? ऐसा इसलिए क्योंकि गंगा, गीता और गौ माता की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने मोनिका शाह भट्टी जैसे सनातन विरोधी को मैदान में उतार कर नया विवाद खड़ा कर दिया है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। हाल ही में तमिलनाडु में डीएमके प्रमुख और मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने, जिन्होंने सनातन धर्म को समाप्त करने की वकालत करते हुए सनातन की तुलना डेंगू मलेरिया जैसे शब्दों से किया। சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்று நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள், அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை வந்து நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா, இதையெல்லாம் வந்து நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். இஸ் பயான் கே பாத் சியாசி பயான்பாஜி தேஜ் ஹோ கயி தி और पूरी भाजपा कांग्रेस पर टूट पड़ी थी और कह रहे थे, यदि आप सनातन धर्म को मानते हैं तो स्टालिन को अपने गठबंधन से अलग कर दीजिए, हटा दीजिए। लेकिन आज वो तमाम नेता जो स्टालिन के बयान पर कांग्रेस को घेर रहे थे, वो न जाने क्यों मौन व्रत करके बैठे हुए। आप सभी को मैं यह भी बताना चाहता हूं कि उदयनिधि स्टालिन की उन बातों की मैं कड़ी निंदा करता हूं, लेकिन बीजेपी के मौन धारण किए हुए उन नेताओं से भी पूछना चाहता हूं, यदि आप सनातन को मानते हो तो फिर ऐसे लोगों को क्यों टिकट दिए जिनके हृदय में राम की जगह रावण विद्यमान है और भोले भाले आदिवासी भाइयों के बीच चेहरा और खुद की राजनीति चमकाने के लिए नफरत की आग लगा रहे हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी हिंदू और सनातन की बात करती है और सच्ची हितैषी है, तो फिर मोनिका की जगह किसी और को मैदान में उतारना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपको कांग्रेस को कोसने का कोई भी औचित्य नहीं है। जनता है, सब जानती है। जहां हम लोग सत्ता परिवर्तन की ताकत रखते हैं, क्योंकि मेरे साथ सभी लोग नारे लगाएंगे, जो सरकार निकम्मी है सरकार बदलनी, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी। अपने हक अधिकारों के लिए हम स्वयं लड़ेंगे, हम खुद राजा बनेंगे। हमको गुलाम बनना मंजूर नहीं है, हमको गुलाम बनना मंजूर नहीं है। अब मैं आगे आपको मोनिका बट्टी के बारे में बताने वाला हूँ, जरा गौर से सुनिएगा। मोनिका बट्टी का भाजपा में इतिहास ज्यादा लंबा नहीं है और कब तक रहेंगी यह भी तय नहीं है, लेकिन कुछ दिनों पहले गुड़वाना गणतंत्र पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष पद छोड़कर मोनिका बट्टी भाजपा में जुड़ी हैं। मोनिका बट्टी भी राम को काल्पनिक मानती हैं और वो खुले मन से कहती हैं, हम सनातन धर्म को नहीं मानते, हम आदिवासी हैं और आदिवासी हिंदू भी नहीं है, हमारे एक ही देवता है बड़ा देव, उसके अलावा किसी को हम नहीं मानते। इतना ही नहीं, इनके पिता ने हिंदू विरोधी किताबें बंटवाई, उसमें लिखा था कि रावण को न जलाए। अगर मेरे पिताजी अंदर इस आंदोलन का हिस्सा नहीं होते तो आज वो जीवित रहते, ये मुझे पता है, क्योंकि मेरे पिताजी 20 वर्ष से इस आंदोलन से जुड़े हैं और लड़े, और हर एक नेता के आंखों में खटकते थे वो, हर एक कांग्रेस भाजपा के नेता के आंखों के सामने खटकते थे वो, चाहते थे कि कब इसका खात्मा कर दे और कब हम लोग के लिए आसान हो जाए, क्योंकि वो हमेशा अड़े रहते थे एसटी ओबीसी वर्ग के सामने लड़ने के लिए, उन्होंने संविधान के लिए लड़ा। आगे सुनिएगा, जिन बागेश्वर महाराज के कदमों में सीएम से लेकर तमाम दिग्गज नेता झुकते हैं, हाजिर लगाते हैं उनके दरबार में, उनको भी मोनिका बट्टी ने नहीं छोड़ा था। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का भी उन्होंने विरोध किया था, कहा था कि आदिवासी हिंदू नहीं है, शास्त्री बहुरूपिया है और ये सब मास्टरमाइंड का गेम है। जरा सोचिएगा, सत्ता बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार बीजेपी इन सब पर बिना विचार किए सब कुछ भुलाकर मोहन, जो इनके पिता थे मनमोहन बट्टी, और जो इन जिनको अभी भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है मोनिका बट्टी, इन्होंने जो पूर्व में किया सब भुलाकर एक बार फिर भरोसा इन पे जताया है और टिकट दे दिएगा। सोचिएगा, मंथन कीजिएगा। रावण के खानदान के लोग हैं,
अगर ऐसा भारत में रहने वाले किसी भारतीय ने कहा, ये भारत में रहने वाले समस्त सनातनियों के दिल पर उन्होंने चोट पहुंचाई है। ये राम का देश है, राम के देश में सनातन जब तक इस भूमि पर चल रहेगा, सूर्य रहेगा, तब तक सनातन रहेगा। और ऐसे लोग बहुत आए और चले जाएंगे। वैसे ज्यादा जानवरों को जवाब नहीं देना चाहिए। आज के मुद्दे की बात तो यह है कि क्या मोनिका साहब बट्टी के भगवान बदलेंगे। ऐसा सवाल इसलिए क्योंकि वो सिर्फ बड़ा देव मानती है, जो हिंदू में हमारे देवी देवता है उनको वो नहीं मानती। इसलिए सवाल करना पड़ रहा है कि क्या मोनिका साहब बट्टी के भगवान बदलेंगे या नहीं। सवाल तो यह भी है कि क्या ब्राह्मणों, हिंदुओं और सनातनियों को कोसने वाली मोनिका बीजेपी की विचारधारा से जुड़ पाती हैं या पहले की तरह ही कोसती रहेंगी। सवाल तो भाजपा के उन नेताओं से भी है जो स्टालिन के बेटे को कोस रहे थे, आज वो मौन धारण क्यों किए हुए हैं, क्यों कोई कुछ नहीं बोल रहा है। चुनाव जीतकर सत्ता का मक्खन खाने के बाद सनातन और हिंदू को गाली देने वाले, राम को न मानने वाले और रावण को हृदय में विराजमान कर उसकी पूजा करने वाले को बीजेपी चुनावी मैदान में उतारती है। समझ में आता है कि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को चुनाव जीतना कितना महत्वपूर्ण है। हालांकि अब देखना यह होगा कि इस तरह की छवि वाली भाजपा के उम्मीदवार को जनता कुर्सी देती है या फिर नहीं। आज के मुद्दे की बात में फिलहाल इतना है। उम्मीद है भाजपा शीर्ष नेतृत्व इस पर विचार करेगा, नहीं भी करेगा तो हमें क्या, हमने अपना काम ईमानदारी से किया, बाकी ये जनता है सब जानती है। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी नए मुद्दे के साथ, तब तक आप बने रहिए प्रदेश तक के साथ। जय हिंद। देश दुनिया और अपने आसपास की ताजा तरीन वीडियो को देखने के लिए प्रदेश तक को लाइक करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। साथ ही ऐसी ताजा अपडेट के लिए प्रदेश तक .com पर विजिट करें।